ランスのボールですね。मैंने जैन का इंप्रेशन के दौरान जो जो किया है उसके बारे में थोड़ा शेयर करना है। सबसे पहले तो मेरा भी एलिमेंट में फोन ग्रेजुएशन भी जो भी सीखे हैं सर की बदौलत भी सीखे हैं। और सबसे पहले सर आए थे एक एक चीज़ हमको सिखाए। हम ये दो साल ही तैयारी किए, हम लोग बैचमेंट हैं तो पहले तो इतना अच्छा से पढ़े थे सर ही पढ़ाया कि हम लोग हमें मजा भी आने लगा पढ़ने में। इतना पूरा जुनून आ गया ना पढ़ने का कि अब पूरा एकदम बहुत जी जान लगा था। अब पूरा पढ़ने के बाद क्या हुआ सब खिचड़ी कर तीन चार महीना पढ़ने के बाद वैसे ही हुआ। फिर हम लोग एग्जाम दिए तो सर कराया था 1540 का। फिर एक साल और पढ़े और सर जैसे राहुल भी बता रहे थे बहुत सारे चीज़ सर बताते हैं तो हम लोग गलत करते हैं। लेकिन बाद में हम लोग कॉलेज जाने के बाद मिस करते हैं सर बोलते थे हम लोग आज हम लोग कर लिया था और पढ़िए अच्छा जगह पर जैसे बोलते हैं कि बुक पढ़ना। सबसे दिक्कत क्या होती है इधर के लड़कों को बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है। सर बार बार फोर्स डालते हैं बुक पढ़ना। बुक पढ़ना सीख गया तो वहाँ जाने के बाद बहुत कम ही दिक्कत होती है। और चंदन जी बताया था जैसे कंटिन्यू भी जरूरी है। सुबह जी बताया था प्रैक्टिस एग्जाम उसको एग्जाम देने के बाद जैसे होता है 60 क्वेश्चन देते हैं तो उसको बनाने के बाद ये नहीं कि बस बना करके छोड़ दिए, उसको रियलाइज कीजिए उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ है ये सब। और सर का इंतजार है कि हम वहाँ IIT कॉलेज से MSc कर रहे हैं। और रही बात कॉलेज में जाने का तो वही जैसे ही प्रॉब्लम होता है हम अपना बता रहे हैं कोडिंग तो बस सेम टू सेम लेके चिपका के भेज देते हैं। वहाँ सोचना नहीं है वैसे सब हो जाता है। अब साउथ का है तो वहाँ खाना टेस्टी होता है बट धीरे धीरे उस माहौल में रहेंगे तो अच्छा लगने लगता है। सुबह शाम हमेशा सांभर रहेगा इडली सब मिलते रहता है। टेस्टी होता है खाने का क्योंकि हम लोग नॉर्थ का उधर साउथ का पूरा खाना रहता है। और थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपना फोकस करना है क्योंकि हम लोग इधर से जाते हैं तो इंग्लिश ठीक रहता है। साउथ वगैरह में जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम